नमस्कार दोस्तो। दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे फेसबुक लाइव प्रोग्राम के अंदर स्वागत है दोस्तों और आज का वीडियो हम बहुत ही खास ब, मकसद के लिए बना रहे हैं दोस्तों और बहुत सारे लोगों के लिए दोस्तों निरोगी रहना यानी स्वस्थ रहना आज एक बहुत ही बड़ा भाग्य की बात कहा जाता है इसको हम कहते हैं द एवर लकीस्ट पर्सन हु फेल्ट हेल्दी एनर्जेटिक एंड वेरी चार्मिंग पर्सन दोस्तों एक ऐसा इंसान कि जो अपने जीवन में और अपने शरीर के अंदर हमेशा एक स्वस्थता को महसूस करता है तो दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि आज हम भी जो खान पान है आप अगर कोई वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन है वो सब्जियां खाते हैं वो फल खाते हैं तो उसके अंदर भी कितना ज्यादा जहर डाला जा रहा है यार मतलब इंसान ही इंसान का दुश्मन बनते जा रहा है लोग ही लोगों के दुश्मन बनते जा रहे हैं और कुछ चंद पैसों के लिए लोग हमारे खान पान के अंदर जहर डाल रहे टॉक्सिन डाल रहे और ऐसे ऐसे नाम के टॉक्स है उनका नाम लेना भी कई लोगों के लिए मुश्किल बन जाता है लेकिन ये कैंसर जैसी महाभयानक बीमारी की तरफ हमें लेके जा सकते हैं हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन का एक जरूरत था वो नीड जो था वो नीड जो था जरूरत वही हमारा शरीर से दूर होते जा रहा है और कचरा और टॉक्सिन का लोड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है कैसे बनेगा एनर्जी कुछ लोग बोलते हैं मैं तो नॉनवेजन खाता हूँ नॉन वेजिटेरियन हूँ लेकिन आप देखिए कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में भी कि वो मुर्गियों को या चिकन को जो खाते हैं आप बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं उनको उनको पता ही नहीं है कि उनको कितना केमिकल खाद दिया जाता है उनको कितने इंजेक्शन से गुजरना पड़ता है और ऐसे ऐसे जहरीले इंजेक्शन जिनकी सिर्फ एक महीने के अंदर इतनी ग्रोथ हो जाती है इतना वजन बढ़ जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम खा क्या रहे हैं और जी कैसे रहे कैसे बनेगा आपके बॉडी के अंदर एक अच्छा एनर्जी कैसे बनेगा आपका शरीर का अंदर एक अच्छा स्टेमिना और यहाँ पर बात आती है हमें एक अच्छे से अच्छे सप्लीमेंट की तरफ आगे जरूर जाना चाहिए हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी या कई सारे बहुत सारे लोग होते हैं ना वो एडवाइस बहुत अच्छा देते हैं बहुत सारे लोग होते हैं सलाह मशवरा बहुत ज्यादा मिल जाता है लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर भी बात करते करते बोलते हैं हमें रॉ फूड बहुत ज्यादा खाना चाहिए और रॉ फूड का मतलब होता है सर हमें बहुत ज्यादा फ्राई सब्जियां नहीं खानी है मतलब हमें रॉ का मतलब होता है पूरा कच्चा आहार कौन सा कच्चा आहार है सर बताइए आप डेली में दिन में ऐसा कौन सा कच्चा फूड ज्यादा खाते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता है लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है अगर हमें कैसे ऑर्गेनिक चीजों के साथ जुड़ जाए जैसे कि अभी मान के चलते हैं दुनिया का सबसे एवर ग्रीन फूड बोला जाता है सबसे बेस्ट है स्पाइरुलिना ये एक फूड है आप लोगों के लिए आप अपने बच्चों को पूछिए सर आपको पालक का सब्जी अच्छा लगता है नहीं नहीं वो पालक का वो भजी अच्छा लगता है उसको उसको कुरकुरे बनाया जाए तो अच्छा लगता है वो पालक को और कुछ मोड़ करके उसका कोई अलग सब्जी बनाया जाता है तो वो अच्छा लगेगा लेकिन पालक का सब्जी अच्छा नहीं पालक की भजी अच्छा लगता है पालक का पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है इतना मतलब मैं क्यों पूछ रहा हूं लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है दोस्तों कि कई सारे लोगों को जो खाना चाहिए वो नहीं खा पा रहे और जो नहीं खाना चाहिए वो बहुत ज्यादा खाते हैं सोच सकते हैं आप अपने बच्चों को पूछिए क्या रॉ फूड खाना पसंद करोगे मैं तुम्हें कच्ची सब्जियां खाने के लिए बोलता हूँ नहीं खाएगा कच्चे सब्जी को बिना फ्राई किए जितना ज्यादा आप अपनी सब्जी को फ्राई करते हो उतना ज्यादा वहां से एसिड निकलता है उतनी ज्यादा न्यूट्रिशंस क्या हो जाते हैं बाफ होकर निकल जाते हैं तो रॉ फूड मिलेगा कहाँ पर आपको तो दोस्तों ये काम भी हमारा ये स्पायरोना करता है हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन धरती का सबसे अच्छा खाना जो कि रॉ फूड है ग्रीन वेजिटेबल्स की हमें जरूरत है डेली का अच्छा खून शरीर के अंदर बनना जरूरत है और वो खून का स्टेमिना कैसे बढ़ेगा मतलब वो खून आपका एनर्जेटिक कैसे रहेगा तो उसके अंदर एक रॉ जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल और अगर रॉ सब्जियां नहीं खा पाते हैं तो कल से आप ये खाना शुरू कर दीजिएगा डेली कम कम से कम आप दस पीरुना खाओ छह स्पायरो खाओ चार खाओ चार से ज्यादा खाओ मतलब एक ग्राम से ज्यादा खाओ मिनिमम फोर ग्राम फोर स्पायना मिनिमम मैक्सिमम ट्वेंटी भी खा सकते हैं तो आपके लिए अगर आप मानते हैं कि रॉ फूड शरीर की जरूरत है और रॉ फूड खाने से सेहत अच्छा रह सकता है तो आपको स्पाइरुलिना रॉ फूड है ज्ञानोडरमा जब आप पाउडर फॉर्म में देखते हैं का कैप्सूल निकाल दीजिए तो यह पाउडर आपके लिए रॉ फूड है कई सारे प्रोडक्ट है जैसे अभी मेरे हाथ में यहाँ पे अश्वगंधा है फिर यहाँ पर ब्राह्मी है फिर यह अमल की है यह सारे के सारे आयुर्वेदिक में पाउडर फॉर्म में जो हमारे पास लॉन्च हुए गए प्रोडक्ट है रॉ फूड है अब आपको मैं बताना चाहता हूं हमारा डेली का मेरा डेली का सप्लीमेंट न्यूट्रिशनल सपोर्ट बॉडी के लिए और ये देखिए मेरे हाथ में एक जूस मैंने बनाया है ये बहुत बेहतरीन जूस बना है ये जूस बनाने के लिए हमारे पास क्या है लेमोनेड यस डीएक्सएन एन का लेमोनजी लेमोनेड तो लेमोन जी मतलब मैंने थोड़ा पानी लिया है और उसमें पूरा सैसे लेमोनजी घोल दिया है लेमोनजी के अंदर हल्का सा रोजेल डाल दिया है और रोजेल के बाद मैंने ले लिया यहां से मैंने ले लिया अमल की आमला पाउडर जो कि एंटी कैंसर का प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है इसके अंदर आंवला आपको सबको पता है विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है बॉडी को एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज प्रदान करता है एंटी बहुत सारे मिलते हैं तो आंवला पाउडर का मैंने क्या किया है इस तरीके से इसमें से हल्का सा पाउडर आप देख सकते हैं ऐसा पाउडर निकाल के इसके अंदर डाल दिया है आमला पाउडर उसके बाद क्या किया है हमने इसके अंदर डाल दिया है ये अश्वगंधा है यानी अश्व की जैसी शक्ति बोला जाता है अश्वगंधा द पावर ऑफ हॉर्स हॉर्स पावर भी कह सकते हैं तो यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही पावरफुल चीज है अश्वगंधा और अश्वगंधा का भी पाउडर फॉर्म हमारे पास है तो हमने क्या क्या है हल्का सा इसका पाउडर इस तरीके से ले लिया है और इस जूस के अंदर आपके सामने यहाँ पे डाल दिया और फिर है ये ब्राह्मी है जो कि आपका ब्रेन कोशिकाओं के लिए बहुत अच्छा फूड है ये सब रॉ फूड है आप लोगों के लिए और सबसे खास बात यहाँ पर है कॉडी यस ये भी हमारे लिए रॉ फूड है रॉक का मतलब होता है ना इसको प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग करके ब्लेंड करके इसको प्रॉपर ग्राइंड किया जाता है और उसके पश्चात उसको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है और कई बार इसके टैबलेट बन सकती है या कैप्सूल बन सकती है कोई दवाई नहीं है दवाई का मतलब होता है इसमें इतना कैल्शियम इतना विटामिन इतना प्रोटीन है इतना इसमें यह है इतना यह है ऐसा अगर उसमें लिख कर आता है तो वो हम इसको कहते हैं कि ये सिर्फ और उसके ऊपर कोई सोर्स ओरिजिन नहीं होता है कि किस चीज से बनी हुई चीज है ये कभी बताया नहीं जाता है तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट का एक अलग सोर्स है आर्टिफिशियल सप्लीमेंट मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था स्टॉप योर आर्टिफिशियल सप्लीमेंट आज उसका मैं कड़ी को आगे लेके जाते हुए मैं बताना चाहता हूं हमें रॉ फूड खाना जरूरी है यानी नेचुरल और हेल्दी सप्लीमेंट खाने चाहिए तो यह टेबलेट है कॉर्डिसप अच्छा कॉर्डिसे के अंदर ऐसा कौन सा गुण है तो दोस्तों कॉर्डिसप के अंदर बहुत ही अच्छी पावर है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाता है ये रिवील किया गया बाद में नो गोल्ड मेडल जब चाइना को मिले थे उसके पश्चात का ताकत दुनिया को पता चला कि ऐसा क्या किया आप लोगों ने तो बार बार उनके ऊपर टेस्ट करना शुरू कर दिया आपने कुछ जय आपने कुछ अपने लिए स्टीरोयड तो नहीं खाया था कोई नशा तो नहीं किया था तो आपके पास ही इतने गोल्ड मेडल कैसे लास्ट में उन्होंने रिविल किया कि इतनी टेस्ट मत ले लो हम लोगों ने एक मशरूम खाया था हम लोगों ने एक हर्ब खाया था और उसका नाम है कॉर्डिसेप जो कि खाना है कितना खाना है ज्यादा भी खा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है छह सात खाओ दस खाओ पंद्रह खाओ इसका कोई नुकसान नहीं है लेकिन कम से कम शुरू तीन से करो मैक्सिमम छे खाओ तो इस तरीके से कॉर्डिसप सुबह तीन शाम को तीन खाओगे तो चलेगा तो भी बहुत बेहतरीन है और यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक दोस्तों बहुत ही जबरदस्त एनर्जी का बहुत सोर्स बनाता है तो हमने क्या किया है इसको जूस बनाया साथ में ने ले लिया इस बाजू में हमने रखा है इस तरीके का प्रोडक्ट तो ये बन जाता है हमारे लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और ये जूस हमने पाउडर फॉर्म में डालने के लिए इतने सारे हर्ब मैंने सिर्फ लेमन जे और रोजेल के अंदर डाला तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी आपका हार्ट अटैक आने से रोकेगा शरीर में कैंसर कोशिकाएं बनने से बचाएगा साथ ही साथ आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत बेहतरीन है, शरीर में से कई सारे सेल की सफाई करने में मदद करता रहेगा कोशिकाओं को साफ करता रहेगा सेल की एनर्जी को अच्छा खाना मिलता है तो फूड अच्छा मिलने की वजह से सेल का पावर ऑफ एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल्स हमारा एनर्जी का जो पावर होता है वो हमारी सेल को बहुत ही अच्छा एनर्जी प्रदान करता है स्टेमिना बूस्ट करता है तो इस तरीके से अगर डेली कुछ अच्छे हेल्दी सप्लीमेंट खाते हैं तो स्वस्थ रह सकते हैं एनर्जेटिक रह सकते हैं और आपका स्टेमिना भी अच्छा रह सकता है और सबसे खास बात है काफी सारे लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं करते लेकिन आज के वीडियो में मैं चर्चा जरूर करने वाला हूँ दोस्तों बहुत सारे लोग ना मिडल एज हो जाता है जैसे ही 40 का उम्र हो जाता है यानी उसको हम बोलते हैं मिड लाइफ मिड मैरिज लाइफ और उस समय पे अंदर शरीर का अंदर एक अच्छा एनर्जी और स्टेमिना का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और काफी सारे परिवार में इस समस्या की वजह से और यह समस्या ऐसे कि इसके बारे में बात नहीं कर सकते और इसके लिए कोई आगे आके बात ज्यादा नहीं कर पाता है और नेचुरल सोर्स के बारे में कभी बताया नहीं जाता है ठगाने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइज आ जाते हैं आपको ये खाना है आपका स्टेमिना बढ़ेगा आपका एनर्जी बढ़ेगा आपका पावर बढ़ेगा आप आपका बहुत अच्छा समय आपका कालावधि को आप बढ़ा सकते हैं आपका जो लाइफ है उसको मतलब बेड का जो टाइम है आपका उसको आप अच्छा हैप्पी कर सकते हैं लेकिन ये सारी सिर्फ एडवर्टाइज देख नहीं होना चाहिए बल्कि आपको नेचुरल रॉ फूड के साथ रहना चाहिए और उसके लिए मैं कुछ तीन प्रोडक्ट आपको जरूर सजेस्ट करूंगा जो कि आपका जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा नया यौवन और आपके शरीर के अंदर बहुत ही अच्छा स्टेमिना बढ़ा सकते हैं कोशिश करके देखिएगा आपको डेली का कम से कम सुबह तीन शाम को तीन ये कॉडी सेप खाना है और दुनिया का सबसे अच्छा कॉडी से अभी हमारे पास डीएक्सएन के पास बहुत बेहतर ये तो बहुत ही रॉम मतलब इसको हिमालय का व्याग्रा कहा गया है इट्स लाइक हिमालयन व्याग्रा नेचुरल सोर्स में जैसे अभी मैंने बोला ना सिल्की की टीपी प्रोडक्शन को बढ़ाता है मतलब ये हमारा स्टेमिना भी बढ़ाता है और हमारे शरीर के अंदर जो महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है और पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है दोनों के शरीर के सेक्स हार्मोन को भी बहुत अच्छा इंप्रूव करता है और सेक्सुअल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए मैं अगर डायरेक्टली बात करूं तो ये तीन प्रोडक्ट बहुत बेहतर है तीन प्रोडक्ट का अगर आप एक साथ किट लेते हैं क्या क्या इसमें यह मैं बोलता हूं इसमें कॉडिसप है तीन सुबह तीन शाम इसके अंदर पनाग जिन है जिनसेंग कोरियन जिनसेंग ये भी आप सुबह तीन सुबह शाम को तीन खाना शुरू कर दीजिए और फिर ये अश्वगंधा टैबलेट है तो ये सुबह तीन टैबलेट और शाम को तीन इस तरीके से आप शुरू कर दीजिए और फिर आपको अपना खुद का अनुभव लीजिएगा यस दोस्तों हर एक व्यक्ति का जीवन में जैसे कहा जाता है ना दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लाइफ में शायद कोई नहीं बता पाएगा लेकिन मैं बताऊंगा दोस्तों इंसान के जीवन की कमजोरी भी कहा जा सकता है कुछ इंसान इसकी वजह से क्राइम भी कर पाते हैं कर सकते हैं और कर रहे हैं एक होता है दोस्तों लाइफ में इंसान का मनी पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरा होता है सेक्स ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से ही बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे तो क्यों ना एक सेहत के मंद रास्ता अपनाइए और अच्छे सप्लीमेंट का रास्ता अपनाइए ऐसे कोई भी केमिकल सप्लीमेंट खाकर अपने शरीर को और खोखला ना बने इसलिए आपको नेचुरल रॉ फूड के बारे में बात किया अगर आपने सच में वो वीडियो नहीं देखा होगा आर्टिफिशियल सप्लीमेंट क्यों नहीं खाना है मैंने सिर्फ उस वीडियो का टाइटल ही रखा था स्टॉप आर्टिफिशियल सप्लीमेंट मैं जाता हूं मार्केट में और कैल्शियम का सप्लीमेंट लेकर आता हूं मैं जाता हूं मार्केट में कोई प्रोटीन पाउडर लेकर आता हूँ स्टॉप दिस ये आर्टिफिशियल है आपका शरीर नेचुरल है आपका बॉडी ऑर्गेनिक है इसको प्रकृति कहा जा चुका है तो प्रकृति को कभी भी ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजें ही भाती है आप जीवन में देखिए दोस्तों आपको एक उदाहरण देता हूं जैसे आप पूरा आप ये धरती को क्या बोलते हैं हम दूसरी भाषा में इस धरती को प्रकृति कहा गया इस प्रकृति के अंदर मान के चलते हैं कोई भी नेचुरल चीज पड़ी है तो प्रकृति उसको क्या करती है रिसाइकल कर लेती है उसकी मिट्टी बनाकर नष्ट कर, कर देती है कोई जानवर मर मरकर पड़ जाता है तो उसकी मिट्टी हमारी बॉडी की लाश क्या हो जाता है लास्ट में मिट्टी हो जाता है मिट्टी में डाल दिया मिट्टी हो जाता है आप ध्यान से दीजिए कोई फल है वो गिर जमीन पर गिर जाता है और वो फल सड़ जाता है और अपने आप वो मिट्टी हो जाता है पत्ते गिर जाते मिट्टी हो जाते मछली के कांटे आप छोड़ दीजिए वो भी प्रकृति ने बनाए हैं जो चीज प्रकृति बनाती है वो प्रकृति अपने अंदर समेट लेती है कितनी बड़ी बात है मताओ मैं आपको इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की भाषा में जो प्रकृति बनाती है वो प्रकृति अपने अंदर समेट लेती है मतलब उसको रिसाइकल करती है उसको नष्ट करती है लेकिन जो चीज प्रकृति नहीं बनाती जो चीज प्रकृति ने नहीं बनाई है आर्टिफिशियली किसी इंसान ने बनाई है तो वो चीज को प्रकृति अपने अंदर समेट नहीं पाती है वो वो टॉक्सिक बन जाती है उसको वो नष्ट नहीं कर पाती मतलब कि प्लास्टिक का कोई बैग अगर प्लास्टिक का टुकड़ा आपने डाल दिया तो वो प्लास्टिक बना गया है केमिकल फैक्ट्रीज में वो प्लास्टिक प्रकृति नहीं बनाती वो इनऑर्गेनिक है अब कोई भी और इनऑर्गेनिक चीज अगर आप प्रकृति में छोड़ दो उसको वो प्रकृति समेट यानी उसको वो रिसाइकल नहीं कर पाती है उसको वो नष्ट नहीं कर पाती है ऐसी कई सारी अनऑर्गेनिक केमिकल्स बहुत सारी चीजें जो कि आप देखना वो कभी भी प्रकृति के अंदर उसका मिट्टी नहीं हो सकता मतलब वो रिसाइकल नहीं होता है वही हमारा शरीर का भी हालत है हमारा शरीर को भी दूसरी भाषा में हम प्रकृति कहते हैं हमारे शरीर को आप जितनी अच्छी और नेचुरल चीजें ऑर्गेनिक चीजें आपके बॉडी को देना शुरू कर दीजिएगा तो ये बॉडी उसको जितना जरूरत एनर्जी में चाहिए था उतना एनर्जी बना लेगा अगर वो ऑर्गेनिक है प्रकृति से बनी हुई चीज है नेचुरल चीज है तो उसको शरीर से बाहर अपने आप निकाल देगा उसको रिसाइकल कर देगा और वो नष्ट भी कर देगा लेकिन जो चीज मैन मेड बन चुकी है जैसे इस हाथ में मेरा एप्पल है और इस हाथ में मेरा पेस्ट्री है केक केक का पेस्ट्री ये क्या है मैन मेड है आप एप्पल को खा लो तो वह एप्पल से एनर्जी भी बनेगी और एनर्जी के साथ ही साथ एक अच्छे न्यूट्रिशन भी मिलेंगे और जो नहीं चाहिए वो निकलकर डिटॉक्स भी हो जाएगा शरीर से बाहर भी चला जाएगा लेकिन ये पेस्ट्री के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन है बच्चों को पेस्ट्री खाना अच्छा लगता है बच्चों को वो केक खाना अच्छा लगता है बच्चों को पिज्जा बर्गर मैगी नूडल कुरकुरे फुरकुरे पैकिंग फूड पैक्ड फूड खाना अच्छा लगता है लेकिन ये सारा बीमार का कारण बन जाता है ये शरीर में जाने से आपके शरीर में ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है इसको शरीर नष्ट नहीं कर पाता है कितनों की बात दिमाग में आ रही है ये तो इसलिए मैं आज के वीडियो में बताना चाहता हूं हमें नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजों के साथ रहना चाहिए और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के साथ रहना चाहिए और चीयर्स करना चाहिए अपने जीवन में एक स्वास्थ्यदायी जीवन के लिए दोस्तों देखो दोस्तों सबसे जीवन का बड़ा सुख जो है ना वो आपके अच्छे स्वास्थ्य के साथ है अगर आप बेड पर टिक भी नहीं पाते हो तो हमारे जीवन के अंदर कई सारा डिप्रेशन लोग आ जाता है ये तो, तो छोटा सा कारण बता दिया आपका शरीर के अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं है एनर्जी नहीं है और आप कोई काम कर रहे हो तो आप वो हेल्दी काम नहीं कर पाते आप बीमार है आप स्वस्थ नहीं है आप पैसा कमाने के लिए भी काम नहीं कर पाते ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना अपने सेहत का ख्याल पहले रखिएगा सबसे पहले सेहत और फिर हम तो हमेशा बताते हैं कि यही चीज जीवन में लोगों के लाना शुरू कर दीजिएगा ना बहुत सारे लोगों ने शायद शायद मैं बोलता हूं बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत चीजों को व्यवहार किया गलत चीजों का प्रचार किया गलत चीजों का व्यापार किया और इस वजह से अच्छी चीजों की तरफ देखने का लोग नजर क्या करते हैं उसी तरीके से देखना शुरू कर देते ये भी ऐसा ही होगा नहीं सर हर एक इंसान एक जैसा नहीं है हाथ की उंगली एक जैसा नहीं है तो आपको यह ध्यान देना चाहिए आपका सतसत बुद्धि को जगा कर देखना चाहिए कि क्या यह सच में चीज है अगर इस इंसान इतने अपने को अपना मन से इन सारी चीजों को खुद मैं खुद सेवन डेली करता हूं

जल्दी से एक आपको इसका कॉन्टेक्ट देखना है संपर्क करना है और कुछ पूछना चाहते हो तो जरूर पूछ लीजिए और इसको आप जल्दी से डिसीजन निर्णय लेकर शुरू कर, कर दीजिएगा अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे और चाहते हैं कि सर हमें भी बताए इसके बारे में डिटेल तो हमसे डायरेक्टली आप संपर्क भी कर सकते हैं आपको जहां से भी ये वीडियो मिल रहा है वो इंसान आपकी मदद करना चाहते हैं तो उनसे बात करिएगा सर आपने वीडियो तो मुझे भेज दिया है लेकिन इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बता दीजिए कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा और इसके साथ क्या अपॉर्चुनिटी है वो भी बता दीजिए सर अपॉर्चुनिटी भी है इसके साथ आपके पास अगर ये स्वास्थ्य क्रांति की किताब नहीं है एक बार जरूर पढ़िएगा सर जो जो बातें हम बता रहे हैं ना वो सब यहाँ पे लिखित में मिल जाएगा क्या कहते हैं सर टॉक्सिन्स इंटरनल टॉक्सिन क्या होते हैं बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कैसे डैमेज हो जाती है कैसे रोग शरीर के अंदर पनपने लगते हैं लोड कैसे टॉक्सिन का बढ़ जाता है और हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक कैसे पहुंच जाते हैं कई सारी बातें मिलेगी इसके अंदर और फिर दवाइयां क्या करती है और हमें क्यों इस तरीके से नेचुरल गैनोडर्मा नेचुरल स्पाइरुलिना नेचुरल नाम ले रहा हूं वनस्पतियों के किसी प्रोटीन विटामिन के नाम नहीं ले रहा हूं आज पनाक अश्वगंधा नेचुरल लायन मेन मशरूम ये हमारी ब्रेन कोशिकाओं को अच्छा खाना देता है नेचुरल ब्राह्मी नेचुरल आमला पाउडर नेचुरल कई सारी चीजें दोस्तों स्पाइरुलिना रॉ रॉ फूड तो आज अगर आपका दिमाग का ढक्कन थोड़ा सा भी निकल गया होगा तो इस तरीके के प्रोडक्ट आपके घर में जीवन भर फ्री में आने चाहिए मुफ्त में आने चाहिए कितने तो लोग चाहते हैं बताइए बॉक्स में जी सर बिल्कुल सही कहा इस तरीके का सेहत का राज आप बता रहे हो और आप इतना टाइम निकालकर फेसबुक लाइव पर यह बता रहे हो तो इस तरीके के प्रोडक्ट मुझे जीवन भर फ्री में मिलने चाहिए कैसे मिलेंगे सर संपर्क करना जिनों ने वीडियो भेजा उनसे भी बात करना और पूछना तो सही एक बार कि सर ये तो मैं शुरू कर देता हूं तुरंत अब आगे मुझे बताइए ये आने वाले फ्यूचर में मुझे लाइफ टाइम के लिए फ्री कैसे मिल सकते हैं जरूर दोस्तों आपके कई सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मदद करेंगे ये इंडस्ट्री है कि एक ग्राहक को मदद करने वाली इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं यहाँ कोई ठगाने की बात नहीं करते मैंने किसी को पैसा नहीं मांगता हूं मैं सिर्फ बोलता हूं अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए और अपनी सेहत के लिए अच्छे प्रोडक्ट का चुनाव करिए और अच्छा सेहत के लिए कुछ अच्छे प्रोडक्ट को सेवन करिए और सेवन करने के बाद जो अनुभव आता है उसको लोगों को कथन करिए बताइए जाके यस दोस्तों बहुत आसान तरीका है सर इतना हजार दो इतना करोड़ रुपया दो इतना लाख रुपया दो सर नहीं यहाँ पे होता है आपको बहुत आसान शब्दों में बताना चाहता हूं आपको प्रोडक्ट को जरूर लेना है अनुभव लेना है प्रचार करना है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है पहले खुद खाए खुद एक्सपीरियंस करे खुद जान जाए और फिर इसका प्रचार करना शुरू करे तो प्रचार से ही शुरू हो जाता है आपका व्यापार कई बार है ना मार्केट विदाउट मार्केटिंग हो जाता है अपने आप कई सारी चीजें आपके जीवन में हो सकती है तो चलिए दोस्तों आज इतना ही कहना चाहूंगा आपको भी बहुत अच्छा जरूर वीडियो जर अलग लगा होगा ना दोस्तों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोई भी ऐसा मूवी आ जाता है कोई अच्छा दिखता है उसको शेयर करते कोई गाना शेयर कर देता है बहुत सारी चीजें शेयर कर देते हैं आप अच्छी चीजों को शेयर करना शुरू कर दीजिए ये सुनकर एक इंसान का जीवन में भी अगर स्वस्थदायी परिणाम आना शुरू हो जाए तो ये वीडियो बनाने का एक अच्छा मकसद पूरा हो सकता है ये सुनकर एक इंसान का दुख थोड़ा सा दूर हो जाए उसका परिवार के अंदर फैमिली के अंदर जो दुख है वो अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो ये वीडियो बनाने का एक अच्छा खास मकसद है ये सुनकर एक इंसान का लाइफ में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए एक रास्ता मिल जाए और वो अपने जीवन में एक अच्छा रास्ता शुरू करे तो ये वीडियो बनाने का खास मकसद है तो थैंक्स कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को काफी सारे लोग मैं देख पा रहा हूं कौन कौन सी कंट्री से लोग जुड़े हुए बताना आप एक बार सभी लोग ये तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है सर और ये जो मैं डीएक्स की बात करता हूं ना ये तो दो कंट्रीज का सारा फूड का जो भी कंपनी का जो उसको बोला जाता है इंटरनेशनल फूड एक्सपो और कई सारे इसके सर्टिफाइड प्रोडक्ट इसको बोला जाता है रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट बोला जाता है ये कोई लोकल नहीं है सर वर्ल्ड क्लास है एज इट इज आपको दुबई में मिलेगा आपको मिडल ईस्ट में मिलेगा आपको अमेरिका में मिलेगा आपको यूरोप में मिलेगा आपको लैटिन अमेरिका में मिलेगा और कई सारी कंट्रीज में मिलेगा साउथ अफ्रीका में भी मिल जाएगा चाइना में भी मिलेगा जापान में भी मिल जाएगा हमने यहां पर बैठे जर्मनी में भी प्रोडक्ट शेयर कर दिए हम यहाँ पे बैठे दुबई में भी प्रोडक्ट पर भेज देते हैं कई सारी बातें दोस्तों बहुत पावरफुल ताकत है 200 कंट्रीज का मिशन इसके साथ जुड़ा हुआ है और हमने तो लिखा भी है मिशन ये मिशन हंड्रेड का मतलब होता है दोस्तों ऐसे सो लोगों को चुनकर उनकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम करना आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा इंसान बनना चाहते हो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो अपने लाइफ में और ये सारी चीजें अपने अंदर लाना चाहते हो तो आपको संपर्क में रहना होता है दोस्तों और इसलिए कई सारे हमारे साथ ही हम कई सारे काउंसिलिंग प्रोग्राम भी रखते हैं कई सारे हमारे सपोर्टिव कोर्सेज भी होते हैं एंड्रॉइड ऐप भी बना दिया है वेबसाइट सिस्टम भी बना दिया है ताकि आपका एजुकेशन के लिए कोई कमी ना हो तो जरूर दोस्तों इसका लाभ लीजिए और आगे बढ़िए थैंक यू कहना चाहता हूं और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों को शेयर करिए जो नया है तो उसको पहला शेयर कर दीजिएगा सबको बताइए कितनी जरूरत है इन सभी चीजों का तो थैंक यू कहना चाहूंगा आखिरी का सिप लेते हैं और फिर एक बार कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ रोजे लेमन जी के साथ साथ ये सारा सप्लीमेंट रॉ फूड के साथ इतना न्यूट्रिशन कि सर थाउजेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर मुझे मिल जाएगा सर थाउजेंड टाइप ऑफ प्रोटीन थाउजेंड टाइप ऑफ विटामिन थाउजेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन थाउजेंड टाइप ऑफ एंजाइम्स कई सारे अलग अलग रसद्रव्य और ये सारा चीज आपको ये हमारा बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री में मिल सकता है तो थैंक यू दोस्तों चीयर्स हे का डायबिटीज काहे का अस्थमा काहे का हृदय रोग काहे का कैंसर सर सेहत का ख्याल रखिए शरीर स्वस्थ बनाइए तो सभी बीमारी से राहत पाइए बीमारी का नाम सुनते ही हम बीमारी की दवा लेने के लिए दौड़ जाते हैं आज वेलनेस का नाम सुनकर सेहतमंद बनने के लिए सेहत का खाना देना शुरू कर दीजिए यही मेरा मकसद है यही मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए और थैंक यू कहना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए आपने भी काफी सारा समय दिया है इस वीडियो के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू